बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। आपको बता दें कि एमसीडी में बीजेपी पार्षदों का जोरदार प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। पानी की समस्या को लेकर नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बीजेपी पार्षदों का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। और ऐसे में तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप जल मंत्री शर्म करो, किस तरीके से पोस्टर्स लेकर ये एमसीडी पार्षद बीजेपी के पहुंचे हैं। यहां पर हाथ में मटका है और प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो मटका फोड़ प्रदर्शन भी कर चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। ये आप देखिए भारी संख्या में आपको यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, ये बीजेपी पार्षद बताए जा रहे हैं, बीजेपी नेता। और ये देखिए रमेश बिदुड़ी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इसी के साथ ये प्रदर्शन जो हो रहा है ये दिल्ली सरकार के खिलाफ हो रहा है, और उसके पीछे की वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में जनता पानी के लिए तरस रही है, त्राही त्राही कर रही है, लेकिन देश की राजधानी यानी कि जनता को यहाँ पर पानी अभी तक नहीं मिल पा रहा है। देखिए सर पर महिलाएं मटका लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और किस तरीके से अलग अलग यहाँ पर स्लोगन सीखे गए हैं जो हाथों में इनके पोस्टर्स हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर ये पोस्टर्स में आप स्लोगन देख सकते हैं, नारेबाजी की जा रही है और केजरीवाल हाय हाय के नारे ये लोग लगा रहे हैं। और देखिए जो दिल्ली पुलिस है वो इनको रोकने की कोशिश कर रही है, बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं कि किसी तरीके से आगे ना बढ़ पाए। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एमसीडी में बीजेपी पार्षदों का एक जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। अब आप देखें दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखें सड़क पर तमाम नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से हाउस में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, सबके हाथ में ये देखिए आप, यहाँ दिल्ली की मेयर को भी देख सकते हैं, पूछे दिल्ली एक सवाल, पानी कब देगी केजरीवाल सरकार। अलग अलग यहाँ पर नारे लिखे गए हैं, नारेबाजी की जा रही है। आखिर देश की जनता को जो राजधानी में लोग रह रहे हैं ये सोचकर कि कोई भी समस्या अगर होगी तो सबसे पहले समाधान अगर उसका कहीं पर मिलेगा तो वो है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है और सबसे बेहतर अगर व्यवस्थाएं कहीं पर होती है तो वो राजधानी में। लेकिन इसका उल्टा इस वक्त यहाँ पर हो रहा है, कोई एक दो तीन चार पांच दिन की बात नहीं है। आप देखिए पिछले काफी लंबे समय से दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है। पहले जहां पर दो टैंकर पानी के पहुंचते थे एक सुबह और एक शाम, अब वहां पर सिर्फ एक ही टैंकर पहुंच रहा है, तो बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली तरस रही है। पूछे दिल्ली एक सवाल, पानी कब देगी केजरीवाल सरकार। आप पढ़ सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर मटका भी हाथ में है बीजेपी पार्षदों के, और जोरदार प्रदर्शन वो कर रहे हैं कि आप बताएं क्या। और ये देखिए टेबल पर ये बीजेपी के पार्षद हैं जो टेबल पर चढ़ चुके हैं, हाथ में बड़ा सा आप देख सकते हैं पोस्टर है, और उसमें यही सवाल अरविंद केजरीवाल से, उनकी सरकार से कि बताएं कब इस समस्या से निजात मिलेगा दिल्ली वालों को। गर्मी प्रचंड पड़ी लेकिन पानी की समस्या जस की तस रही, और आज भी समस्या वैसे ही है।